हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसके लेक्चर वन लेके। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एडुकेशन जोन, जहाँ पे हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं हर एक एडुकेशनल वीडियोस, उसके साथ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो फर्स्ट पार्ट आते हैं, उसमें से आपको शेयर करना चाहिए व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स अ प्रोसेस दैट प्राइमरली इन्वॉल्व डेवलपिंग, लॉन्चिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट और द सर्विस टू एस्टेब्लिश एनी बिजनेस वेंचर। मतलब जो कि एस्टेब्लिश बिजनेसमैन है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वैसा नहीं, नया कोई स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, कुछ उसके लिए मतलब बना रहे हैं कुछ चीज़ें जो कि आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपके इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसमें वो नया बिजनेस कैपिटल लेके नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मतलब एकदम छोटा मोटा बिजनेसमैन वी कैन से, जो कि नया है, जिसका टर्नओवर बहुत ही कम है। उसमें से हमारे वो जो एंटरप्रेन्योरशिप बोल रही हूँ मैं, जो कि स्टार्टअप बिजनेसमैन कह सकती हूँ, या छोटा बिजनेसमैन, या नया बिजनेसमैन जो बन रहा है धीरे धीरे, सो उस टाइप के बिजनेसमैन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स मतलब उसका कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि उसको बता सकते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसमें कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट वन पॉइंट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। नहीं बाबा, कुछ नया बिजनेस शुरू करूं लेकिन उसके पहले ही अगर मेरा सब कुछ खो गया, कुछ नया बिजनेस वेंचर करूं तो उसके लिए रिस्क है, वैसा कोई सोचेंगे तो वो नया कभी नहीं स्टार्ट कर सकते ना, सब चीज़ों में रिस्क है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। ऑब्वियसली जैसे बिजनेस चल रहा है उसमें अगर वो नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करे तो वो तो चलेगा नहीं ना, तो कैसा चलना चाहिए? तो कि नया, उसमें इनोवेशन हो। नेक्स्ट आता है क्लियर विजनरी। क्लियर विजनरी मतलब क्या है? क्लियर विजनरी मतलब आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए प्रॉपरली यू शुड नो, इज़न्ट? अगर आपको पता नहीं है आपको क्या चाहिए, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सो यू कैन नॉट एबल टू एस्टेब्लिश, सो दैट इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट लीडरशिप क्वालिटी। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बन रहे हो, मतलब आप अकेले तो पूरा काम नहीं कर सकते, कुछ लोगों को लगाना पड़ेगा, तो वो लोगों को तो आपको काम करवाना पड़ेंगे ना, है ना? आपको, आपके पास पूरा कैपिटल नहीं है तो कैपिटल भी लाना पड़ेगा, मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, अपना नया बिजनेस जो है उसका आइडिया को आपको सबको समझाना पड़ेंगे, उसको आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करना, सो दैट लीडरशिप क्वालिटी इज़ वेरी मच। नेक्स्ट ओपन माइंडेड। ऑब्वियसली यू शुड बी ओपन माइंडेड। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हो, भाई जो कमाएंगे ना खुद ही ले लेंगे, सारे बेनिफिट्स ना खुद ही ले लेंगे, यू कैन नॉट एस्टेब्लिश। फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल योर कस्टमर्स, योर वेंडर्स, योर ऑल एम्प्लॉइज, योर पार्टनर्स, एवरीवन्स। यू शुड हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। व्हाट द फ्लेक्सिबिलिटी यू नीड? सपोज जो नया आइडिया कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, उसमें से समथिंग जो सोच के हम शुरुआत में सोचे थे वो नहीं हो रहा है, तो ठीक है भाई ऐसे हो रहा है तो इसको थोड़ा मोटिवेट करके, थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरीके से चलते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नीडेड। और जो चीज़ आप बना रहे हैं उसका नॉलेज, अगर आप कुछ नहीं पता आपको क्या करना है, क्या बिजनेस प्रोडक्ट है, उस बारे में कुछ नहीं जानते, चलो शुरू करते हैं, वो क्या चीज़ है, वो क्या नहीं है, कुछ नहीं पता, तो आप कैसे बिजनेस करोगे, कैसे एंटरप्रेन्योर बनोगे? बिजनेसमैन कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं, उनके पास एस्टेब्लिश्ड फंड है, लेकिन आपके पास नहीं है ना, सो इस हिसाब से यू शुड नो दिस ऑल। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप कुछ टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि स्मॉल बिजनेस, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज कंपनी एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या है ये सारे चीज़ें, क्या काम में ये आते हैं, ये चीज़ें आज हम थोड़ा भी समझेंगे। थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। स्मॉल बिजनेसमैन मतलब बाय द नेम यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। स्केलेबल स्टार्टअप
इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लार्ज कंपनी जो कि एक साथ ही पहले ही बहुत सारे प्लांट्स, गोडाउन एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब कुछ लेके शुरुआत कर रहे हैं, और कुछ एनजीओ टाइप के हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है सोशल। सो द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे देखिए ये पिक्चर्स टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के मैं बता दी हूँ आपको, यहाँ पे समझ में आ ही रहा है। स्मॉल, स्केलेबल, लार्ज, नेक्स्ट सोशल। ओके, अब एक एक करके इसको मैं समझ रही हूँ। टाइप को मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ उसके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो करें और इसके साथ में ये समझें तो आई थिंक इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड ईजियर और कम्फर्टेबल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको सब कुछ पता रहे, आपको समझ में आ जाए ना, तो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन एबल टू राइट ऑल्सो योर ओन वे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो कि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो वो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो सारे ही मैक्सिमम होते हैं स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस मतलब कोई भी प्लम्बर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है, कोई बार्बर्स हो सकता है। व्हेन दे आर मेकिंग सम एसोसिएशन दे आर डूइंग सम स्मॉल बिजनेस, मतलब उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, ज़्यादा बड़ा कुछ एस्टिमेशन नहीं है, कुछ बैंक से लोन लेके या फ्रेंड्स फैमिली से कुछ लेके कैपिटल लेके वो लोग एक छोटा मोटा कोई स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को। दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज स्टार्टअप बिजनेस और स्मॉल बिजनेस। और स्टार्टअप बिजनेस तो सबका ही स्टार्टअप होता है, लेकिन ये है स्मॉल टाइप बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, इस स्मॉल बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमारे जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ये सिंगल कोई प्रोडक्ट, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मार्केट, मतलब लोकलाइज्म, लोकल किसी मार्केट को पकड़ रहा है या लोकली बिजनेस शुरू कर रहा है, इसका कोई एक्सपेंशन ज़्यादा प्लानिंग अभी नहीं है या इनिशियली इससे जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप? टू जनरेट सम प्रॉफिट फ्रॉम अर्ली डेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इसका कोई बड़ा सा पहले ही वैसे कोई बड़ा सा प्लान, इतना सा ये सब करना है, ये करना है, ये सब नहीं है। ये पहले सोचता है कि छोटा मोटा लोकल मार्केट को ही पकड़ो, ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट शुरू हो जिसमें से ये आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलेबल, स्केलेबल स्टार्टअप। ये क्या है? जनरली नॉट मच पॉपुलर स्मॉल बिजनेसमैन टाइप के नहीं है ये, लेकिन इसका एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, इस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर हैव सम आइडिया कि ये हमारे चेंजेस रहे तो वर्ल्ड चेंजेस होने के साथ हम चेंज करेंगे, इसका एंटरप्राइज स्केलेबल है, अगर आज ये है तो कल स्मॉल स्केल है तो कल ये लार्ज स्केल बन सकते हैं, इसका कुछ मीडिया सपोर्ट है, इसमें कोई थोड़ा बहुत मनी लेके इसका कंटिन्यूस ग्रोथ पॉसिबल है। एक्चुअली आई कैन एबल टू से कि इसका ग्रोथ पॉसिबल है और ये स्केलेबल है, मतलब जैसे सर्कमस्टांसेस विल चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट ये स्केलेबल हो सकता है। ठीक है, ये रैपिड एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब दे हैव दिस कैपेबिलिटी। स्मॉल स्केल जैसे लोकली था ये थोड़ा वैसा नहीं है, इसमें ह्यूज प्रॉफिट आ सकते हैं, ओवर टाइम्स हो सकते हैं, धीरे धीरे ये ज़्यादा एस्टेब्लिश करेंगे, मतलब आज ये स्मॉल है तो क्या हुआ कल ही लार्जअप हो सकता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेबल। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, जैसे कि स्मॉल के समझे थे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्केलेबल स्टार्टअप ऑल्सो इनिशियली एस्टेब्लिश स्मॉल स्केल, बट एंटरप्रेन्योर्स हैव सम विजन टू ग्रोथ।
वो जैसे सोचे थे कि यहाँ पे ही शुरू किए हैं, यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएंगे, वैसे नहीं, इसका विजन है कि ग्रोथ करेंगे, फर्दर एक्सपेंशन होंगे, कोई स्टार्ट हो रहा है छोटा करके, लेकिन ग्रोथ हो सकता है एंटरप्राइज का, मच मोर प्रॉफिट, मच मोर इन्वेस्टमेंट इज़ पॉसिबल, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, मोस्ट स्केलेबल स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लक्षण है। मतलब आप आज छोटे लिए हैं, अगर आपका गुडविल बन रहा है तो आप नया कुछ लेके, नया कुछ एक्सपेंड करेंगे, उस हिसाब से आपका बिजनेस और भी ग्रो करते जाएंगे, और उस हिसाब से यू कैन एबल टू चेंजेस आल्सो। नेक्स्ट आता है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंपनी में क्या होता है, बाय द नेम ये लाइफ साइकिल कवर करता है अंडर द लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें फंडिंग ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा फंडिंग मतलब क्या है, जितना ज़्यादा फंडिंग हो रहा है उस हिसाब से वो बिजनेस शुरू करेंगे। लार्ज स्केल के और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे कि आपको अगर लगे कि मेरे पास अभी कैपिटल है एंड कोई टाई अप है कोई बड़े किसी ब्रांड के साथ आप जुड़े हुए हैं, सो इन्वेस्टर्स में आल्सो इन्वेस्ट, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल जो स्केलेबल है उनमें पहले ही आपको इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टर्स गुडविल देखते हैं, रिस्क फैक्टर्स के अनुसार वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ इसका अवेलेबिलिटी है। सो आज ये छोटा से शुरू क्यों करें, अगर यू हैव द कैपिटल सो यू कैन प्लान अ ह्यूज that someone will be or some persons will be involved to the marketing part, some are for the collecting raw materials, some are for keeping the goods, some are for making the proper ideas or proper things, these are. So large company entrepreneurship ka jo characters hai us hisab se kya ho raha hai, they are focused on planning industries that customers respect, customers need according to that, और ये इसका क्या है, ह्यूज हमारे प्रॉफिट हो रहा है, स्मॉल एंटरप्राइज के हिसाब से ये नहीं है, इट कैन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द नीड, पहले एस्टेब्लिश ही हो रहा है थोड़ा बहुत लार्ज होके, और इसका फ्यूचर स्कोप ऑब्वियसली ज़्यादा है। नेक्स्ट टर्म्स आ रहे हैं हमारे सोशल, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वेयर एंटरप्रेन्योर सेट अप द टोटल एंटरप्रेन्योरशिप or the product or the plans or the services that can be profitable or may not be profitable, that is for the social utilization, okay, iska jo characteristics hai uska hisab se ye kya hai, maximum in non profitable ventures hai, jaise kuch ngo jisme money kuch to earn honge obviously ho sakta hai, aur kuch through the such venture jahan pe social kuch growth ho, socially kuch रिसर्च करके या सोशली कुछ चीज़ें बनाएंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सोशल बेनिफिट्स के हिसाब से भी चले, ओके, मतलब वी कैन गेट फॉर दैट द सोशल आवर इन्वॉल्वमेंट वी कैन एबल टू फुलफिल फ्रॉम देयर आल्सो। सम अदर टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ आल्सो देयर, दैट इज़ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि चलता फिरता मार्केट में कुछ चीज़ें चल रहा है उसी हिसाब से उसी के ऊपर बेस करके नहीं है, ये टाइप क्या है, ये टाइप है थोड़ा डिफरेंट, जो है उससे एग्जिस्टिंग से कुछ चेंजेस, एवरी टाइम आवर ब्रेन इज नीड सम इनोवेशन, है ना, आपके पास जो चीज़ है वो तो है लेकिन इससे कुछ बेटर, कुछ इनोवेटेड, कुछ नया, इट्स मे बी ऑन डिज़ाइन, मे बी ऑन स्ट्रक्चर, मे बी ऑन सम फीचर्स, suppose for mobile some other features if we are getting, suppose for garment some other design, suppose for jewelry there is some other design, these are the needs where some innovated or something special is coming, that is needed, this type of innovative entrepreneurship, it may be small scales, may be large scale, may be scalable, but it is different. Another is हॉस्टलर एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है, जैसे कि ये ऑल टाइम ये हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क करके नया नया कुछ गेन कर रहा है, ओके, सो देयर इज़ अ टीम, दे आर वर्किंग कंटिन्यूसली हार्ड टू गेट समथिंग, इफ दे अचीव दैट लेयर अगेन दे आर डूइंग समथिंग मोर,
something they are getting, then again. That way these are called. Next is imitator. इमिटेटर क्या है? जैसे कि कोई नया इंटरप्रेनरशिप कोई काम करके गया है तो उनका क्या घाटा हुआ, किस कारण से हुआ, जो समथिंग दे लर्न फ्रॉम द प्रीवियस एंटरप्रेनर और सम अदर एंटरप्रेनर, उनका क्या सिचुएशन हुआ था, उनका क्या लॉसेस हुआ था, बेनिफिट्स हुआ था, कौन से सर्कमस्टांसेस में वो क्या किए थे, दैट दे आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम दैट एंड दे आर डूइंग समथिंग. नेक्स्ट इज कमिंग रिसर्चर. रिसर्चर क्या है? रिसर्चर ऑब्वियसली बाय द नेम वी कैन गेट, कुछ रिसर्च करके कुछ इनोवेट कर रहे हैं, उसको लेके बिजनेस कर रहे हैं. तो आप कुछ इनोवेट किए, उस चीज़ को आप जो बनाए उस चीज़ को लेके. नेक्स्ट इज बायर एंटरप्रेनरशिप. बायर एंटरप्रेनरशिप क्या होता है? बायर एंटरप्रेनरशिप होते हैं जो कि कुछ आप बाय किए हैं इंडिविजुअली, कुछ खरीदे हैं या कुछ ओनर्स है आप चीज़ की, किसी चीज़ को, उसको आप सेल कर रहे हैं. ये जनरली इंडिविजुअल वे में होता है, इंडिविजुअली कुछ बिजनेस कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, इस टाइप ऑफ. सो दैट इज़ द आवर फर्स्ट लेक्चर. आई थिंक यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आया होगा. आपको अगर ये फ़ायदा हुआ है और नेक्स्ट वीडियोज़ आपको चाहिए तो ज़रूर लाइक कीजिए. किस चीज़ के ऊपर चाहिए कमेंट करके बताइए, कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए. और आप लोग तो जानते ही हैं, अगर आप लोग ये सब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करते, अगर लाइक नहीं करते, तो क्या होता है, वी आर गोइंग डीमोटिवेटेड एंड वी डोंट वांट टू क्रिएट मोर वीडियो. सो बी विथ अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.